मड किचन की न्यू एपिसोड में। जनाब, तो आज जो चीज़ हम मड किचन ट्राइबल में आप लोगों को बनाने दिखा रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो वो है पंजीरी। और पंजीरी भी किस चीज़ की? चने की दाल की। तो चने की दाल की पंजीरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मेरे ख्याल में एक नज़र देख लेते हैं। चने की दाल की पंजीरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले है चने की दाल। चने की दाल मैंने ली थी 1 किलो, और इसको मैंने रात भर भिगो दिया था दूध में। नाज़रीन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दूध में भीगी हुई है। सारी रात भीगने के बाद इसकी ये वाली शक्ल है। आराम से ये हाथ में ही टूट रही है। लिहाजा अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि चने की दाल को हम एक छन्नी की मदद से छान के और इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए धूप में खुश्क होने के लिए रख देंगे। इसके बाद आ जाती है चीनी। चीनी मैंने ली है तकरीबन 3 पाव, इसलिए कि 1 किलो के बराबर चीनी होनी चाहिए थी, लेकिन हम इतना ज़्यादा मीठा नहीं इस्तेमाल करते, तो मैंने 3 पाव चीनी ली है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक चेक कीजिएगा कि अगर आपको 1 किलो चने की दाल ली है तो 1 किलो ही चीनी ले लीजिए। बहरहाल, इसके बाद हमारे पास है देसी घी। ये घर का बना हुआ है, तो नाज़रीन देसी घी को भी हमने तकरीबन ले लिया है, 1/2 किलो से थोड़ा कम है, क्योंकि मैंने पंजीरी बनानी है, मैंने उसके लड्डू नहीं बनाने हैं जिसमें मुझे ज़्यादा घी की ज़रूरत हो। उसके अलावा फिर भी मैंने घी जो है अपने पास रखा हुआ है कि अगर मुझे कम लगा तो मैं और इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा मेरे पास हैं बादाम। ये 1 प्याली मैंने बादाम लिए हैं, थोड़ा सा मैंने पिस्ता लिया है, 1 प्याली मैंने ली है मेवा। ये सुंड है। नाज़रीन, चूँकि मौसम जो है वो अब थोड़ा सा बहार की तरफ जा रहा है, लिहाजा सुंड अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा सुंड इस्तेमाल करूँगी, लिहाजा आपको दिखाने के लिए कि आप ये तकरीबन है 2 टेबल स्पून। नाज़रीन, गोंद ली है मैंने 50 ग्राम। तो इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है नारियल। तो नाज़रीन, नारियल को मैंने काट लिया है। ये हमारे पास हैं चीज़ें, और अब हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चने की दाल में से दूध जो है वो निथार लूँगी और सिर्फ दाल को मैं धूप में खुश्क कर लूँगी। नाज़रीन, दाल मैंने मोटी मोटी चॉपर में पीस ली है, और ये मेरे पास है सूजी जो कि है 1/2 किलो, ये भी मैं इस पंजीरी में इस्तेमाल करूँगी। तो चलें अब हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं और पंजीरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम भून लेंगे अपनी सूजी को। सूजी हमारी जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुकी है, अब मैं इसको निकाल लूँगी और अगला प्रोसेस हम करेंगे। तो चलें, घी हमारा रेडी हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे गोंद का पतीरा। इसको मैं निकाल लूंगी।
नाज़रीन, अब हम इसमें डाल देंगे अपना बादाम, पिस्ता और नारियल, इन सबको डाल के अच्छे तरीके से भून लेंगे। कतीरा और ये ड्राई फ्रूट, ये अब हम मोटे मोटे से पीस लेंगे। नाज़रीन, हमारा बाकी जो देसी घी था वो अब इसमें हम डाल देंगे। अब हम अपनी दाल इसमें भूनने जा रहे हैं। नाज़रीन, दाल हमारी जो है वो तकरीबन आधी हमारी भून चुकी है, तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं मुसलसल चम्मच हिलाते हुए उसको भूनते हुए, तो अभी तक ये भुनी नहीं है, इसको अभी भी टाइम चाहिए, तकरीबन इसको 40-45 मिनट और चाहिए भुनने में। तो अभी हम इसको मुसलसल भूनने जा रहे हैं। जनाब, दाल हमारी जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुकी है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद देसी घी डाल के और हम भून लेंगे अपनी सूजी को और फिर इन दोनों को मिक्स कर देंगे। दाल नाज़रीन हमने निकाल ली है, अब हम डालने लगे हैं सूजी। तो सूजी डालने से पहले हम थोड़ा सा मज़ीद देसी घी डालेंगे, सिर्फ अपनी सूजी को भूनने के लिए। दाल में ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ काफ़ी सारा घी, तो इसमें मैं थोड़ा सा ही डालूँगी सूजी को घी में भूनने के लिए। घी गरम हो जाए तो फिर हम अपनी सूजी को इसमें डाल देंगे और इसमें डाल के हम इसको भून लेंगे। देसी घी हमारा अच्छे तरीके से गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सूजी। नाज़रीन, जब मैं हम लोग छोटे हुआ करते थे तो अपनी दादी को देखा करते थे ये पंजीरी वगैरह बनाते हुए, और जो हमारे केपीके की हैं ट्रेडिशनल इस तरह पंजीरी टाइप की, और जैसे आपके यहाँ पे अलसी की पिनियाँ हैं इस तरह की जो चीज़ें वहाँ की हैं वो हम देखा करते थे, लेकिन मुझे आता नहीं था टेस्ट से, तो वाकिफ़ थे कि ज़ाहिर है सर्दियों में हर सर्दियों में बना करता था। फिर वालदा को देखा, लेकिन मैंने बनाना जो है ज़ाहिर है जब आप बनाने लगते हो तो उसमें ज़रा फ़र्क होता है खाने में और देखने में, बाकायदा मैंने सीखा नहीं था। लेकिन जो मेरी अम्मी है यहाँ पे लाहौर में जहाँ पे मेरी शादी हुई है, तो ये घर वाले भी तमाम देसी माहौल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, तो मुझे ये सारी चीज़ें मुझे मेरी इन वाली अम्मी ने सिखाई,
ये कैसे बनाई जाती हैं, तो मैं शौक से बनाती हूँ। ये पंजीरी बनाना भी मुझे इन्होंने ही सिखाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें हमारी अकदार से जोड़ी रखती हैं। तो आप कोशिश किया कीजिए कि अपने बड़ों से कुछ सीखने की कोशिश करें, और फिर आगे अपने बच्चों को आप ये सारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे अकदार हैं, जो वैल्यूज़ हैं हमारी, उनमें ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन, सूजी हमारी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, खुशबू भी आ रही है, और अब हम मिक्स कर लेंगे अपनी दाल को, जो कि हमने पहले ही भून के अलग-अलग कर दी थी। अब दोनों को मिक्स कर देंगे और फिर दोबारा से इसको इसकी हल्की सी भुनाई कर लेंगे। हमारी भुन चुकी है और हमारी दाल भी मिक्स होके दोनों यकजान हो चुकी हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी चीनी को। नाज़रीन, चूंकि हम लोग ज़रा मीठा कम इस्तेमाल करते हैं, तो मैं पहले चेक करूंगी, मेरे मुताबिक तो अभी भी मीठा हमारे टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा है। अगर मुझे लगा कि मीठा और होना चाहिए तो मैं इसमें डाल दूंगी। अब डाल देंगे हम अपनी सुंड, इसको हमने मिक्स कर दिया। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नाज़रीन, सुंड भी हमारी भुन चुकी है इसमें तरीके से। अब हम अपनी बाकी चीज़ें हैं जो हमने, ये तमाम जो मेवाजात थे वो सब मैंने इसमें इकट्ठे करके गोंद समेत मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया है, वो भी हम मिक्स कर देंगे। और ये जो आखिर में हमारा मेवा है वो भी मैंने इसमें डाल दिया। सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि उनका टेस्ट बीच में अच्छे तरीके से पक जाए। नाज़रीन, पंजीरी हमारी बन चुकी है और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। बनाइए अपने लिए, कौम के लिए, और मज़े उड़ाइए, बहुत ही मज़ेदार। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की दाल की पंजीरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी राय से आगाही दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मौसूल हो सके। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।